शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि जब तक मेरे दिल में अंबर के सही सलामत होने का विश्वास जिंदा है, मैं विधवा नहीं, सुहागन हूं। पागल हो तुम, पागल। और तुम्हें आज ये सब उतारना पड़ेगा। चलो दीदी, क्यों जबरदस्ती कर रही है? तुम्हें उतारनी पड़ेगी नियति। अरे वो लोग तो पड़ोसी थे, आप तो घर की हैं, आप भी बात को नहीं समझ रही हैं। मैं मुझे देखिए समझ रही हूँ। चलो अंदर। ये क्या तरीका है? नहीं, मत करो जबरदस्ती इसके साथ। अगर ये अपने विश्वास के साथ इस घर में जीना चाहती है तो ये घर उसका है, उसे जीने दो, समझी? लेकिन माँ जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, रही समाज के लोगों की बात तो उनका जवाब मैं दूंगी, लेकिन माँ जी वो पांच मंजिली बस, एक शब्द और नहीं, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? मम्मी जी, कम से कम आपने तो सच का साथ दिया। नाश्ते का टाइम हो गया है ना? सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, हलवा, सूजी का हलवा खाएंगे ना सब लोग? मम्मी जी आप खाएंगे ना? बनाती हूँ, और मैं साथ में ना जूस भी बना दूंगी सबके लिए। हाँ, माँ, आपने उसे समीर, ये वक्त नियति से आर्ग्यूमेंट करने का नहीं है, वो बेचारी सदमे में है, उसे सदमे से बाहर निकलने का थोड़ा मौका तो दो। अगर वो अंबर की यादों के सहारे जीना चाहती है तो जीने दो ना उसे, किसी का क्या बिगाड़ रही हूँ? जिस दिन उसे सच्चाई का पता चलेगा ना, उस दिन के बाद कभी खुश नहीं रह पाएगी। भैया माँ बिल्कुल सही कह रही, इस वक्त हमें नियति का सपोर्ट करना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं। जितना हम नियति को सपोर्ट करेंगे ना भैया, उतना ही हमारे छोटे भाई अंबर की आत्मा को शांति मिलेगी। वैशु, अरे वैशु, ये तुम नियति को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही है? क्या जरूरत है तुम्हें कि ऋषि, अगर तुम्हें ये बात समझ में आती ना तो फिर बात ही क्या थी? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नियति को लेकर परेशान हूं? नहीं,
मैं तुम्हारे घर की हिपोक्रेसी को लेकर परेशान हूँ। चिढ़ होती है मुझे उनकी सोच पर, जो आदमी और मौके को देखकर यूं बदलती है, यूं। और तुम्हें क्या लगता है हाँ, जो नियति के साथ हुआ, अगर भगवान न करे वो मेरे साथ होता, क्या तुम्हारे घर वालों का व्यवहार मेरे साथ भी ऐसा ही होता? उदार, ग्रेशियस, नेवर। माँ जी हमेशा नियति के लिए घर के सारे नियम कानून, सारे समाज के नियम कानून तोड़ने के लिए तैयार रहती हैं। जैसे वही इस घर की असली बहू है, और मैं कौन हूँ? वैसे तुम माँ को गलत समझ रही हो, उनका ये मतलब। हाँ हाँ, अपने घर वालों की तरह तुम भी यही समझते हो ना, कि इस घर में अगर कोई गलत है तो वो है वैशाली, बाकी सब सही है, बाकी बिल्कुल ठीक है सारे लोग, है ना? अरे ऐसा मैंने कब कहा? अगर नियति को ये लगता है कि अंबर जिंदा है तो लगने दो ना। अगर नियति दिन को रात कहेगी और रात को दिन कहेगी तो सब लोग मान लेंगे। कभी ना कभी तो उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा। लगता है नियति का पागलपन देख देख कर शायद तुम लोगों को भी ये एहसास होने लग गया है कि अंबर भैया जिंदा है, वो मरे नहीं है। क्यों? मैं कहती हूँ अगर तुम लोगों को नियति की उम्मीद 1% भी सही लगती है तो बताओ तुम लोग जिसे फूंक कर आए थे वो कौन था, अंबर भैया या कोई और? वो अंबर ही था, वो अंबर ही था वैशु। अंबर को लेकर हम में से किसी की भी कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही है। जिस हाल में अभी नियति है उसे देखते हुए किसी को भी ये ठीक नहीं लग रहा कि उसकी उम्मीद तोड़ दी जाए। यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई है, इस घर का जवान छोटा बेटा मर गया है, कोई नियति बहू को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब लोग वही करेंगे जो नियति बहू चाहती है। क्यों भाई, हम लोग फालतू के हैं क्या जो वही करेंगे जो नियति को सूट करेगा? हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। अगर हमने इस घर की परंपरा को 1 इंच भी इधर से उधर करने की कोशिश की तो हमें तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो फिर नियति के लिए इतनी मुरव्वत क्यों? Why? जब तू हद से ज्यादा हो जाता है समीर तो ऐसा भी होता है। आपका दर्द ही आपकी दवा बन जाता है, और नियति के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, अनजाने में ही सही। लेकिन उसने अपने दुख से लड़ने के लिए पलायन का रास्ता अपना ही लिया है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसी बहाने वो तब तक जी सकती है जब तक अंबर के जाने के दुख से वो लड़ने के काबिल नहीं हो जाती। तुम्हें लगता है रोहिणी कि वो कभी भी इस दुख को झेलने के काबिल हो पाएगी? पता नहीं, पर ये जरूर सुना है कि वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है, और हम तो सिर्फ उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं ना। शायद तुम ठीक कह रहे हो, और शायद माँ ने भी यही सोचकर नियति को सफेद साड़ी पहनने के लिए मजबूर नहीं किया। समीर, माँ जी समय से कहीं आगे की सोच रखती है, इसीलिए उन्होंने नियति को मजबूर नहीं किया, बिना इस समाज की परवाह किए। हम भी यही करेंगे रोहिणी। हम पर तो रहा नहीं, हम नियति को खुश करने की कोशिश करेंगे, इससे अंबर की आत्मा को शांति मिलेगी। हलवा तैयार है। अरे नियति, इतनी जल्दी ले आई? बन भी क्या? तो फिर आपकी देवरानी हूँ, टाइम लगेगा क्या? कुछ तो सीखूंगी ना आपसे। ठंडा हो रहा है, ठंडा होने से पहले खा लेना, और मुझे बताना कैसा बना है।
काश ऐसा ना हुआ होता। लेकिन अब मैं संभालूंगी नियति को। अरे तुम हर बात पे इतनी नाराज क्यों हो जाती हो? जब प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ना बाबूजी को है ना माँ को है, फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? नियति सफेद कपड़े पहने, काले पहने, लाल पहने, जैसे भी कपड़े पहने, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम कहने क्या चाहते हो? मैं गलत हूँ? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम मेरी कोई भी बात नॉर्मली क्यों नहीं लेती? अच्छा, तो अब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं नॉर्मल नहीं? दीदी, भैया, नाश्ता तैयार है। अरे नियति, नाश्ता? नाश्ते से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने बनाया? अच्छा बनाया ना? खाना भी मैं ही बनाऊंगी, अंबर की पसंद का। शायद खाने के महक ही अंबर को यहाँ तक ले आए। अंबर जरूर आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। ठीक है भैया, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। वो तुम्हें पागल बना रही है और तुम लोग पागल बन रहे हो। कभी सोचा है जब उसके सर से ये पागलपन के बादल हटेंगे तब क्या होगा? शायद खाने की खुशबू से अंबर वापस आ जाए। माई फुट! अरे मरे हुए भी कभी वापस आते हैं क्या? आ गई मम्मी जी, आ गई, मैं आ गई। रख दो। अब आप नाश्ता नहीं करेंगे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। नहीं किया ना आपने नाश्ता? दवाई खाई आपने? खाती हूँ। जानती थी मैं, जब तक मैं आपको दवाई नहीं खिलाऊंगी आप नहीं खाएंगी, है ना? लीजिए। क्या दवा? इसीलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। चलिए अब नाश्ता करिए। रख दो, कर लूंगी। जूस तो पी लीजिए जल्दी। आज खाने में क्या बनाऊं? जो तुम्हारा मन करे बना लो। मेरा मन कर रहा है कि मैं अंबर की पसंद का खाना बनाऊं। क्या पता मनपसंद महक उन्हें आज ही घर ले आए। ऐसा हो सकता है ना मम्मी जी? भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता बेटा। अंबर की पसंद का एक खाना बना लो। ओके, ये नाश्ता पूरा खत्म करना और जूस पी लीजिए। हाँ।
बुरा हुआ नियति भाभी के साथ, बहुत बुरा। इसी को नियति कहते हैं कर्नू, होनी किसी के बस में नहीं है। लोग चले जाते हैं, बस उनकी यादें रह जाती। अंबर भैया को ऐसे ही जाना था, चले गए। कल तक हमारे साथ थे, आज नहीं है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। मैं चलता हूं। अतुल, दो मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ बनाती हूँ। रहने दो, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। और हाँ, तुम अपने लिए कुछ बना ले। आज मैंने सारा खाना तुम्हारी पसंद का बनाया है अंबर। टाइम पर घर आओगे तो ही ताजा खाना मिलेगा, वरना बासी तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो। देखो, अगर आज नहीं आओगे तो कल फिर से तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी और फिर तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है तुम जल्दी घर आने वाले हो, है ना? हमेशा आंखों देखा बुरा सच नहीं होता नियति। पूरा सच वो होता है जिसे आंखें भी देखे और दिल भी कबूल करे। लेकिन मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूं? तुम तो ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हो कि तुम्हें मेरे जिंदा होने पर पूरा यकीन है। दूसरों की तरह तुमने ये नहीं मान लिया कि मैं अब इस दुनिया में अपने इस विश्वास को कभी टूटने मत देना नहीं आती। मानना भाई, जो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिल माने। Da da da.